नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। अपने क्षेत्र की सभी ताजा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान के बाद आज सुबह से ही किसानों ने उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहीं किसानों को आज विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। आज किसानों के समर्थन में किसान संगठनों द्वारा आयोजित नागल एवं गागल एडी कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान को उनके आवास पर नज़रबंद कर लिया गया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने। जैसा कि आज आप जानते हैं, आज भारत बंद का ऐलान किया गया, जो कि हमारे हिंदुस्तान के किसान भाइयों की तरफ से ऐलान किया और उनके समर्थन में हिंदुस्तान के सभी तबके के लोगों ने, चाहे वो किसान, मजदूर, छोटे कारोबारी, दुकानदार, रिक्शा चलाने वाले, सब लोगों ने उनकी हिमायत की। सभी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसानों की डिमांड की हिमायत की। बहुजन समाज पार्टी ने किसानों के साथ आवाज़ मिलाकर किसानों का साथ देने की इजहार किया। हम लोग भी आज डीएम साहब से मिलना चाहते थे, उनको ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन हमें जाने से पहले ही रोक लिया गया और हमें ये बताया गया कि आप अपने घर पर रहें। लेकिन उसके बावजूद हम लोग, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, हम कोशिश करेंगे कि जो किसान भाइयों की डिमांड है, जो कृषि बिल के नाम से 3 बिल पिछले सेशन में पास किए गए थे पार्लियामेंट में, हमने और हमारी पार्टी ने और दूसरी पार्टियों ने भी उसकी मुखालफत की, हम आज भी उसकी मुखालफत करते हैं और मांग करते हैं कि इन 3 बिलों को खारिज कर दिया जाए, वापस लिया जाए और किसानों के साथ बातचीत करने के बाद कोई नया फार्मूला किसानों के सामने लाने का काम करें। इसी सिलसिले में आज हमने एक लेटर प्रधानमंत्री को लिखा है और उसमें हमने यही अनुरोध किया है कि आप किसानों की बात सुने और जो उनकी मांग है कि इन 3 बिलों को जो कृषि से मुतालिक है, उन्हें वापस लेने का काम करें। ये लेटर आज हमने उनको भेज दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी को आज उनके सहारनपुर स्थित आवास पर नज़रबंद कर लिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रालोद हमेशा से ही किसानों की लड़ाई लड़ती रही है और किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ी जाएगी। देखो, आज भारत बंद के लिए बुलाया गया था, पूरे देश में आज भारत बंद है और उसके समर्थन में हम लोग किसान को अपना समर्थन देने जा रहे थे। लेकिन इस सरकार में मजदूर, गरीब, किसान सब परेशान हैं। सरकार में एक तानाशाही दिखाई जा रही है, क्योंकि हमारी जो लोकतंत्र है उसमें सबको अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन सरकार आवाज़ दबाने का काम कर रही है। जब भी कोई बात आती थी, कोई भी इलेक्शन होता था, जय जवान जय किसान के नाम पे इलेक्शन होता था, किसान की बात होती थी, किसान की आवाज़ को उठाया जाता था, लेकिन आज किसान मरने के लिए तैयार है। ऐसी सर्दी में, भरी सर्दी में, दिसंबर के महीने में आज किसान सड़कों पे है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार को कोई भी जू नहीं सर ला रही है कि किसानों को तरफ देखा जाए। किसानों की जो मांग है, ये कानून, काला कानून जो सरकार लाई है, इसको वापस करना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए, वरना इसका जवाब जनता बहुत जल्द देने का काम करेगी। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, हमारी पार्टी किसानों के साथ है, आज हमने फुल समर्थन दिया है, लेकिन पुलिस ने हमें आज घर में ही बंद रखा, नज़र बंद करके रखा। सुबह पुलिस आ गई थी, गिरफ्तार कर लिया गया, हम यहाँ से नहीं निकल पाए, लेकिन मैं मीडियम के माध्यम से
सर। वहीं देवबंद में पूर्व विधायक मावी अली ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। किसान विरोधी नीतियों के और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने किसानों के आंदोलन में समर्थन दिया है और आज 8 तारीख है, बंद का आह्वान है, किसानों को उसका समर्थन कर रहा है। और पुतला फूंकना तो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, कोई अंग्रेजों की सरकार थोड़ी है पुतला नहीं फूंक सकते। पुतला फूंकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियाँ ना घरों से बाहर निकलने दे रही और ना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने दे रही। ये वो सरकार है जो किसानों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी बताने का काम कर रही है। हम भरपूर तरीके से किसानों के साथ हैं, प्रोटेस्ट में उनके साथ हैं, धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, पुतला भी फूकेंगे, मुख्यमंत्री भी फूकेंगे, प्रधानमंत्री भी फूकेंगे, कितना रोकने की कोशिश करेंगे। क्या आगे भी ये जारी रहेगा? जब तक किसानों का धरना दिल्ली में जारी है तब तक उनको